अगर आप भी यूट्यूबर हैं मेरी तरह और नए नए यूट्यूबर हैं तो आपको ये बहुत प्रॉब्लम होती होगी वीडियो को अपलोड करने में। अगर आपके पास कैमरा है, अगर नहीं भी है तो आप मोबाइल यूज़ कर लेते हैं, कोई ट्राइपॉड यूज़ कर लेते हैं और लाइटिंग का भी व्यवस्था कर लेते हैं ताकि आपका जो वीडियो है अच्छे से रिकॉर्ड हो पाए। साउंड क्वालिटी के ऊपर भी आप ध्यान दे देते हैं, लेकिन जब बात आती है एडिटिंग की तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि आप भी अगर मेरे तरह यूट्यूबर हैं नए नए तो आपको भी ये समझ में नहीं आता होगा कि मैं कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करूं, क्योंकि जितने भी सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल हैं अच्छे वाले वो सारे काफ़ी कॉस्टली है जिसे हम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि जो सॉफ्टवेयर होता है वो जब काफ़ी लेंथी हो जाता है और हमें ये समझ में नहीं आता कि हम कैसे वीडियो को एडिट करें, उसके अंदर काफ़ी ऑप्शन में मिल जाते हैं तो हम थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं और वीडियो बनाने में हमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो सबसे पहला जो काम हमें चाहिए कि हमारा जो वीडियो एडिटिंग का जो समय है वो कम से कम लगे और फ्री में हो जाए तो सबसे अच्छी बात है। अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, क्योंकि मैं हमेशा ऐसी वीडियो लाया करता हूँ। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने सिस्टम पर और मैं आपको बताता हूँ कि मैं कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ और कितना आसानी से मैं यूज़ कर पाता हूँ, सारा चीज़ आपको बताऊँगा। तो चलिए अपने कंप्यूटर पर आपको ले चलता हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम सर्च कर लेते हैं अपने सॉफ्टवेयर को, जो कि है शॉर्टकट। यहाँ पे आप देख रहे हैं शॉर्टकट, इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। ये जो सॉफ्टवेयर आपको फ्री है, 100% फ्री है, कोई भी आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा और हमेशा ये अपडेट आता रहता है, तो सबसे अच्छी बात यह है। तो सबसे पहले जब हम इसे खोलेंगे तो इस तरह का विंडो हमें मिल जाएगा। तो मैं वीडियो मोड से सेलेक्ट कर लेता हूँ जो मुझे चाहिए फ्रेम रेट। उसके बाद मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम टाइप करता हूँ, जैसे मैं टाइप करता हूँ न्यू, वो करता हूँ स्टार्ट। और मैं इससे बहुत ही जल्दी और आसानी से एडिट कर पाता हूँ। तो मुझे करना क्या होता है कि ओपन फोल्डर करके मैं जहाँ पे मेरा फाइल होता है वहाँ से मैं इसे अपने फोल्डर में लेके आ जाता हूँ। जैसे माई वीडियो में एक फाइल है, इसे मैं डेस्कटॉप पे ला लेता हूँ यानी इसके स्क्रीन पे। उसके बाद मैं इसे ड्रैग करके टाइमलाइन पे ला लेता हूँ। बहुत ही ईजी है और मुझे अगर यहाँ से कट करना है तो सिंपली मैं जो है अपने कीबोर्ड से एस प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका जो यहाँ से कट लग गया और उसके बाद मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। बहुत ही सिंपल है। अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे इसका कलर ग्रेडिंग करना है तो सिंपली इस वाले ट्रैक पे रह के मैं यहाँ से जो देख रहे हैं फिल्टर और प्रॉपर्टीज़, तो आपको फिल्टर वाले ऑप्शन में आना है और ऐड करना है ऐड फिल्टर। उसके बाद आपको सिंपली कलर लिखेंगे तो कलर ग्रेडिंग के ऊपर हम क्लिक करके, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है शेडो एंड मिड टोन्स। तो मैं सबसे पहले शेडो वाले में थोड़ा काम करता हूँ ताकि जो है इस पर आप देख रहे होंगे वीडियो में पहले काफ़ी जो है येलो था, तो मैं थोड़ा येलो को कम कर लेता हूँ। तो बेहतर जहाँ पे लगे वहाँ पे आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए पहले किस तरह का मेरा वीडियो था, अभी इस तरह का हो गया। सिंपली मैं इस तरह के करने के बाद जो है अब आगे बढ़ते हैं ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। और मुझे यहाँ पे अगर ऐड करना है ट्रैक को तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा खाली ट्रैक पर, उसके बाद ऐड वीडियो ट्रैक। तो यहाँ पर मुझे एक ट्रैक मिल गया, इसे हम अपने हिसाब से जो है ड्रैग भी कर सकते हैं। और सिंपली अगर मुझे यहाँ पर अपने नेम को डालना है तो मैं करूँगा यहाँ पर क्लिक ये वाले टाइमलाइन पर और ओपन फोल्डर करके जहाँ पे मेरा फाइल होगा वहाँ से मैं इसे अपने फोल्डर में लेके आ जाऊँगा। तो मान के चलिए मेरा ये वाला है फाइल, तो मैंने इसे सिंपली जो है इंपोर्ट कर लिया। अब इसे स्क्रीन के ऊपर से मैं ड्रैग करके अपने टाइमलाइन पे लाऊंगा, उसके बाद ये मुझे कुछ ऐसा दिखेगा। तो मुझे इस पर थोड़ा सा कुछ वर्क करना होगा ताकि ये जो जहाँ पर मैं चाहूँ वहाँ पर फिक्स हो जाए। तो मुझे करना क्या होगा, सिंपली इस पर क्लिक करने के बाद से मुझे रिपीट करना है फ़िल्टर वाले ऑप्शन को, उसके बाद मुझे ऐड करना है फ़िल्टर। उसके बाद मुझे रोटेट करके फ़िल्टर मिल जाता है, रोटेट एंड स्केल, इसे मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आप इसे स्केल करके नीचे ऊपर कहीं भी ला सकते हैं, है ना। आप इसके साथ प्ले कर सकते हैं जहाँ पे आपको उसको रखना है। उसके बाद अगर मान के चलिए मैं यहाँ पे फिक्स करता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है सेव का, तो मैं इसे जब सेव कर लूँगा तो बाई डिफ़ॉल्ट ये जो है एक सेटिंग सेव कर लेगा। उसके बाद जैसे मैं इसको अप्लाई करूँगा तो वो सेम जो है वहीं पर फिक्स हो जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर कुछ प्रीसेट पहले सेव करके रखा है, तो यहाँ पर नेम के नाम से जैसे मैं नेम करूँगा, देखिए ये वाला फाइल जो है ऑटोमेटिक यहाँ पर आके लग गया है। उसके बाद मुझे अगर इससे थोड़ा सा जो इफेक्ट देना है तो देख लीजिए मैं एक इफेक्ट लगाता हूँ इस पर, बहुत ही सिंपल है। ओपन फोल्डर, सॉरी ओपन अदर कलर, उसके बाद जो यहाँ से कलर ट्रांसपेरेंट मुझे सेलेक्ट करना है। उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपली इसको ड्रैग कर लेता हूँ और अगर अपने फाइल को मैं इसके ऊपर रखता हूँ तो देखिए इसके ऊपर एक इफेक्ट लग जाएगा और आप देख पाएंगे अगर आप ये वाला इफेक्ट, लेकिन मुझे यहाँ से चेंज कर लेना है। यहाँ पर देख रहे हैं ट्रांजेक्शन का जो इफेक्ट है यहाँ पर आ गया है, तो फिल्टर वाले ऑप्शन में, तो मैं यहाँ से सिंपली जाके बार हॉरिजेंटल कर लूँगा, तो देखिए ये कैसा हो गया है। तो बहुत ही सिंपल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत ही सिंपल और जल्द बहुत स्पीड से जो एडिटिंग होता है। तो चलिए मुझे मान के चलिए कि मुझे एक और लगाना जो सब्सक्राइब के लिए है, तो मैं सेम ओपन करूँगा फाइल सब्सक्राइब टू, उसके बाद मैं सिंपली एडिट करूँगा यहाँ पर। उसके बाद ये यहाँ पर देख सकते हैं आप इस तरह का आएगा और मैं क्या करूँगा इस पर क्लिक करके, क्लिक करने के बाद मैं जाऊँगा सीधा प्रॉपर्टीज़ पे, इसके यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं जाऊँगा फिल्टर वाले में, करूँगा ऐड रोटेट, इसे मैं और ऐड रोटेट करूँगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रीसेट मुझे मिल जाएगा, तो मैंने एक प्रीसेट पहले बना के रखा है, उस पर सिंपली क्लिक करूँगा
तो ये ऑटोमेटिक वहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में फेड करना है तो यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाता है। बहुत ही इजी और सिंपल है, स्टार्टिंग में ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा और बहुत ही स्पीड से वीडियो को एडिट कर पाएंगे इससे आप। आप देख सकते हैं कि इस तरह का मेरा इफेक्ट इसके ऊपर लग गया है, तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत सारा ऑप्शन इसके अंदर है। यहाँ पे आपको बहुत सारे इफेक्ट मिल जाते हैं, कलर ग्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो उसके बाद सिंपली अगर आपको इसको एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट फाइल, उसके बाद आप फाइल का नाम सेव करेंगे, जैसे कि ये है न्यू प्रो, तो इसको मैं सेव कर दूंगा। तो यहाँ पे ये इसका जो है रेंडरिंग स्टार्ट हो जाएगा और बहुत ही जल्दी आपको रेंडरिंग करके दे देगा, नो डाउट। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप इस चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ही लें।